पहली बार गुलाब सर से मिला, वैसे मैं आपको बता दूं मैं किसी का फैन होता नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद का ही फैन हूँ। एक्चुअली मैं अमिताभ बच्चन से मिला, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। कलाम साहब को जिसने अपने बगल में बैठते देखा हो, वो किसी का फैन नहीं बन सकता। लेकिन डॉक्टर गुलाब से मैं जब से मिला, तब से मैं उनका फैन हो गया, और आज ऐसी शख्सियत डॉक्टर गुलाब से निवेदन करूँगा। एक बार और चाहूंगा मैं हमारे बीसी सर के लिए और सारे कोर लीडर्स के लिए जोरदार तालियां बजाए। क्या लेकर तू आया है, क्या लेकर तू जाएगा? खाली हाथ आया था, खाली हाथ तू जाएगा। जो कर चला सो ले चला, जो नहीं किया सो छोड़ चला। अब आप क्या करना चाहते हैं? 2000 करोड़ जैसे प्रहलाद मेघवंशी जी का टर्नओवर है, वैसा करना चाहते हैं? चाहते हैं? कितने लोग? हाथ तो बहुत कम है। एक बार कैमरा इस साइड घुमाना, देखो किसके हाथ नीचे, सबके ऊपर है। पर वो कैसे हासिल होगा? कैसे? रात को जाग के, ज्यादा काम करके, नोट गिन के? कैसे वो मिलेगा? स्वस्थ रह के। पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। माया चाहिए, स्वास्थ्य लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे? कहीं से मिलेगा? बाजार से जाएंगे, 4 किलो स्वास्थ्य दे देना हमको, खरीद लेंगे क्या? खरीद लेंगे क्या? पर हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल करना है? बहुत आसान तरीका मैं आपको बता दूंगा। सुनना चाहते? सब लोग चाहते? कोई नहीं चाहता हो तो हाथ ऊपर करो। कोई नहीं कर रहा, सब चाहते हैं स्वस्थ रहना। पर स्वस्थ रहने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास 1 घंटा पूरे दिन में अपने लिए नहीं है। आई एम राइट और रॉन्ग? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? 1 घंटा नहीं है। जब भी स्वास्थ्य की बात आपको कोई बोलेगा, 15 मिनट वॉक कर लेना। क्या बताएं साहब, धंधे में इतना मस्त मगन लगे पड़े हैं, टाइम ही नहीं हमारे पास। अच्छा स्वादिष्ट खाना घर में प्राकृतिक बना के खा लेना। अरे क्या बताऊं, इनके व्यंजन बना बना के थक गई हूं किचन में मैं। उसके ऊपर से सलाद काटने लगूंगी तो हो गया, फिर तो दिखूंगी ही नहीं। समय नहीं है मेरे पास, किसी के पास समय नहीं है। पर अगर आपको बिना समय दिए हमेशा स्वस्थ रहने की कला सिखा दें तो कैसा रहेगा? फिर तो पूरा ध्यान धंधे में लगाएंगे, बिजनेस में लगाएंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी, कम खाओ गम खाओ, डॉक्टर के पास कभी मत जाओ। सुना नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना है? पर अब ऐसा नहीं है ना, अब तो खूब खाओ, स्वादिष्ट खाओ, रोज रोज डॉक्टर के चक्कर लगाओ, तो जितना कमाओगे डॉक्टर को दे आओगे। किसके लिए कमा रहे हैं? किसके लिए कमा रहे हैं? खुद के लिए कमा रहे हैं, तो उसका भोग भी खुद करना होगा। स्वस्थ होंगे तो भोग करेंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है, सर्वे रोग मलवशः लंघनम परम औषधम। सभी बीमारियों का कारण शरीर के अंदर गंदगी जमा होना है, और ऐसी कोई सुप्रीम मेडिसिन नहीं है जो उस बीमारी को ठीक ना कर सके। वो सुप्रीम मेडिसिन है लंघनम, मतलब उपवास करना। आपको अगर सदैव स्वस्थ रहना है तो अस्वस्थ दिनचर्या को छोड़ना होगा, स्वस्थ दिनचर्या को अपनाना होगा। व्यायाम नहीं करते हैं तो करना होगा, अगर प्राकृतिक भोजन नहीं ग्रहण करते हैं तो करना होगा, गरिष्ठ भोजन खाते हैं तो प्राकृतिक आहार लेना होगा। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो उसको सकारात्मक करना होगा। ये प्रोसेस जो है एंड रिजल्ट देगी, और मेरा विश्वास मानिएगा, प्रोसेस कभी मजा नहीं देगा। देगा क्या प्रोसेस मजा?
कोई यहां पर है बोल सकता है मेरे को कि रोज सुबह उठ के बिजनेस करने में मेरे को बड़ा मजा आता है? बोलेगा क्या? मजा? कोई मजा नहीं आता। धूप में जाना पड़ता है, 10 लोगों को बोलना पड़ता है, प्लान बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, पसीने बहाने पड़ते हैं, दर्द भी होगा तो भी आप सोचेंगे अरे यार जाएं विजिट करके आ जाएं, 2 लोगों को प्लान दिखा के आए। वो प्रोसेस है। प्रोसेस मजा नहीं देती, पर 2,000 करोड़ का टर्नओवर मजा देता है कि नहीं देता? देता है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही? देता है। तो अगर आप स्वस्थ होंगे, वो स्वस्थ होने की प्रोसेस आपको कभी मजा नहीं देगी। आपने कोई ऐसी अस्पताल देखी हो जहां पर आपको मरीज ने बोला हो मुझे इस अस्पताल में आके बड़ा मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बार बार आना चाहता हूं, मेरे को बार बार ट्रीटमेंट लेना है, यहां पर आके बेड पर लेटना है? कोई अस्पताल सुनी है ऐसा? सुनी है? आरोग्य केंद्र संत हिरदाराम नगर आ जाइए, आपको वो अस्पताल मिल जाएगी। आपको वो अस्पताल मिलेगी जहां पर मेरी अस्पताल में साधक गण आते हैं और बोलते हमको बड़ा मजा आया, आनंदित हो गए, स्वास्थ्य मिल गया, खुश हो गए, बार बार आने का मन करता। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है तो हमें पंच तत्व ही अपने शरीर को देने हैं। आपने खरीदी है मारुति की कार, कौन सी खरीदी है? कौन सी? मारुति की। खराब होगी तो मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, सर्विस सेंटर में या लोकल मैकेनिक को दिखाएंगे? कहां जाएंगे? सर्विस सेंटर में जाएंगे। ये भगवान ने आपको इतना बड़ा शरीर गाड़ी के रूप में दिया है, जब हम बीमार होते हैं तो कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, लोकल मैकेनिक के पास जाते हैं, मैन्युफैक्चरर के पास जाते ही नहीं है। मैन्युफैक्चरर कौन? प्रकृति माँ। पंच तत्वों से शरीर निर्माण किया, मरेंगे जलेंगे, 5 ही तत्व जमीन में जाएंगे। तो हमें बीमार होते हैं तो कहां जाना चाहिए? प्रकृति की शरण में। और प्रकृति की शरण में आप केवल प्राकृतिक चिकित्सा में वो आनंद ले सकते हैं, क्योंकि क्योंकि स्वस्थ रहना तो बहुत आसान है, बीमार होने के लिए तो धन खर्च करना पड़ेगा। और वो धन कैसे खर्च करते हैं? पका हुआ भोजन खाके जिंदा रह लोगे पर स्वस्थ नहीं रह पाओगे। क्यों? जो प्रकृति ने पकाया आपने किचन में उसको और पका दिया, प्रकृति ने अपनी तापमान में पका दिया उसको ऑलरेडी, आप खाने का ही योग्य है वो, हमने उसको और पकाया, क्या होगा उससे? उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे। आपको क्या मिला? डेड फूड खाके शरीर को पोषण नहीं दे सकते, पर पौष्टिक तत्व लेके, पौष्टिक भोजन लेके आप हमेशा स्वस्थ रह सकते। अपने आहार को औषधि बनाइए, आपको औषधियां नहीं लेनी पड़ेंगी। इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सबसे निवेदन यही है कि आप अगर सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आइए जितना जल्दी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी लाइन आप सबके माध्यम से हमारे हमारे बीसी सर के लिए, हमारे सारे कोर लीडर्स के लिए, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। आपको मिलेगा क्या? मिलेगा? मिल गया? कितने लोगों को मिल गया? पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, जो आपके घर में स्वास्थ्य का आनंद ले आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।